ये कंसंट्रेशन का कार्य है। तो ये जो अग्नि है इसमें चाहे भोजन पका लीजिए, चाहे जला दीजिए, जो भी कार्य आप कर सकते हैं। ये कुंडलिनी एक प्रकार से अग्नि है, उससे आप चाहें तो विद्वान बन जाइए, चाहें तो कवि बन जाइए, चाहें तो लेखक बन जाइए, चाहें तो योद्धा बन जाइए। विनाश और सृष्टि दोनों हो सकते हैं। और कोई प्रश्न अपना कार्य प्रथम ये सैद्धांतिक पाठ समाप्त हुआ, आफ्टरनून प्रैक्टिकल शुरू हो जाएगा। तो हम आपको बताते हैं चक्र का तात्पर्य है स्थूल फिजिकल। इसका तात्पर्य हठ योग। हठ योग में 84 आसन होते हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, उसके आधार पर 84 आसन बनाए जाते हैं। किंतु हम इतने आसन आपको नहीं बताएंगे, कुछ ही आसन बताएंगे जो कि जिससे कि आप ठीक तरह से बैठ सकें, ध्यान करने के लिए 1 घंटे तक बैठ सकें। दूसरा सटल है प्राण, जल तो नहीं है, अग्नि और वायु है। प्राण का मतलब है प्रा मच, अन का मतलब वायु, लाइफ। लैटिन में कहते हैं एन ई मल, प्राण धारण करने वाला। एनिमल को हम पशु बोलते हैं किंतु हर व्यक्ति एनिमल है। एन का मतलब प्राण, अन संस्कृत में प्रा अन प्राण, संस्कृत से लैटिन उत्पन्न हुई है। प्रा का मतलब किससे बताएंगे? प्रा का मतलब प्राण, प्रा का मतलब मच, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट, प्रा का मतलब प्रकृष्ट। अब ये प्राण 10 होते हैं हमारे शरीर में, वायु शरीर में प्रविष्ट हो गई, 10 स्थान पर उसका विभाग हो गया। 5 और आयाम का मतलब है अभ्यास। आयाम का मतलब है दीर्घ, प्राण को दीर्घ करना। ये 10 प्रकार के प्राण, अपान, ज्ञान, समान, प्राण नाक के आगे है। हमारे शरीर में 108 मर्म स्थान है आयुर्वेद के मुताबिक, मर्म
वहां पर आघात करने से मृत्यु हो जाती है। यहां पर प्राण है, अपान वायु बाहर चली गई, अप यानी अवे, अन यानी प्राण। व्यान हमारे सारे शरीर में रोम रोम से रोम में छिद्र हैं, पसीना निकलता है, छेद हैं, इस प्राण को व्यान बोलते हैं। यदि सारे छिद्र रोग बंद कर दिए जाए तो मृत्यु हो जाएगी। उदान हमारे गले में जब पेट भर जाता है तो वायु गले से निकलती है, पेट से नहीं निकलती। उदान और समान संकल्प मतलब इक्वल टूगेदर प्राण। हमारी नाभि में अग्नि है, वायु इससे टकराती है तो इसका नाम है समान। सम को लैटिन में कहते हैं कम, C-U-M, टुगेदर। पाचन शक्ति ठीक होती है इस वायु को टकराने से, प्राणायाम करने से वायु टकराती है अग्नि, नाभि में जो अग्नि तत्व मणिपुर चक्र है यहां पर अग्नि, अग्नि प्रज्वलित होती है, वायु टकराने से अग्नि प्रज्वलित होती है, अच्छी पाचन शक्ति होती है। अग्नि जैसे जैसे मंद होगी वैसे वैसे पाचन शक्ति विकट होती चली जाएगी, रोग उत्पन्न हो जाएगा, म्यूकस, म्यूकस उत्पन्न होने से रोग उत्पन्न होता है, म्यूकस होने से ब्लड सर्कुलेशन में भेद होता है, रोग उत्पन्न होता है। पांच चीफ है, पांच सेकेंडरी है, ये हठ योग है प्राणायाम। बोलिए इसको प्राणायाम, 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 प्राणायाम। बोलते हैं आ खा जाते हैं, राम बोलना चाहिए, बोलते राम, इसे संस्कृत नहीं आती जल्दी, बोलना चाहिए राम। तो क्या बोलते हैं? राम, राम, आ जाती है, ये सबसे डरनी पड़ती, आती नहीं चीजें। तो प्राणायाम, प्राणायाम, ये हठ योग हो गए दोनों। अब तीसरा है मंत्र योग। जब प्राण के साथ हमने मंत्र लगाया तो हमारी एनर्जी उत्पन्न हो गई, ये तंत्र है, यहां से तंत्र प्रारंभ हो गया। हठ योग में मंत्र नहीं लगाते, जो आसन लोग कराते हैं वो केवल एक्सरसाइज है, योग नहीं। योग का मतलब परमात्मा के पास पहुंचना, नाथ ब्रह्म के पास पहुंचना का योग, वो एक्सरसाइज। लोग कहते भी हैं कि हम एक्सरसाइज करा रहे हैं। तो मंत्र लगाने से एनर्जी उत्पन्न होगी, एनर्जी से थर्ड आई, आजन चक्र का उन्मीलन हुआ, तृतीय नेत्र है। त्रिनेत्र
Sharira, you only say visualization. Or visualization. Nada. Sahasrara Chakram. ये नौ प्रकार हैं हमारे अभ्यास के. पहले दिन यानी दूसरे दिन आपका हठ योग होगा, तीसरे दिन प्राणायाम होगा, चौथे दिन मंत्र होगा, पांचवें दिन एनर्जी होगी. इस तरह से 10 लेसन में आप यहां तक पहुंचेंगे. आप चाहें तो फोटो ले सकते हैं, नोट कर सकते हैं. नोट किया ठीक है. दूसरे लेसन में चाहे तो आप प्रश्न कर सकते हैं. ये साइंटिफिक है, कोई भी प्रश्न हो सकता है. ओम गुरु देव. दूसरे लेसन में आप का हठ योग हुआ,